हेलो दोस्तों, ये सवाल आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा हम सेकंडों में कैसे सॉल्व होता है। जैसे मैं बोल रहा है 15 पैसे हानि पे बेच रहा है, ठीक। अगर 30.6 रुपया जिसमें बेचता है तो उसमें 9 रुपये का लाभ होता है। यानी फाइनली सवाल यह बोल रहा है 15 और 9 24% का वैल्यू 30.6 है, तो 10% का मैंने 110% का वैल्यू कितना होगा। फाइनली देखिए क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा इस पे आइए। तो ये बोल रहा है 30.6 का वैल्यू 24 है, तो 10 का वैल्यू कितना होता है। इसको देखिए 8 से यहाँ कट कर दिया, 8 3 और 102 हो जाएगा, ठीक। और इसको डिजिटल से हम लगा दीजिए, ठीक ना। तो 2 1 3 और 2 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 8 हो गया, नीचे रहा तो 8 है, तो क्या होता है, 8 से गुना हो जाता है ना। तो 8 8 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 से 48, 8 से बढ़िया 3 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यूनिट डिजिट में 3 में किसका में है, पहला तो हो नहीं सकता है। दूसरा में देखिए 5 2 7 4 11 1 12, 2 1 3 2 हो सकता है, 3 4 नहीं हो सकता, 8 9 12, 8 2 10 4 14 15। देखिए 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 ही हो रहा है, जो 5 2 7 4 11 12, 2 1 3 हो रहा है, 8 2 10 11 15 16 हो, यानी 2 आसानी से बन सकता है। कुछ प्रोसेस जो आपको उसमें आसान बना जाए, जिसको आप सेकंडों में बना सकते हैं।